खबर आ रही है मथुरा से, जहां पर पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर सवारी बनकर लूट करने वाले अंतरजनपदीय बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध असलाह, दो कार, सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। घटना 10 अक्टूबर थाना नौजी थाना इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे की है, जहां नोएडा से मथुरा आ रहे सर्राफा व्यापारी के कर्मचारी के साथ हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सर्राफा व्यापारी का कर्मचारी नोएडा से ज्वेलरी लेकर कार द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे होकर मथुरा आ रहा था, तभी ज्वेलर टोल के पास 5 लोग सवारी बनकर कार में बैठे हुए थे और कुछ दूर चलने के बाद तमची की नोक पर कार चालक को बंधक बना लिया और कार और 15 लाख रुपए के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। जिस जगह पर व्यापारी को बदमाशों द्वारा फेंका गया था, वह अलीगढ़ मथुरा और जेवर का बॉर्डर था। काफी समय तक पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही थी। 13 अक्टूबर को घटना की FIR सुरीड थाने में दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस घटना की जांच कर रही थी। देर रात पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ लुटेरे यमुना एक्सप्रेसवे पर नौजी इलाके के पारसोली गांव के पास लूट की घटना की फिराक में हैं। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर ली, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर भी फायर किया। अधिक संख्या में पुलिस द्वारा घेराबंदी देखकर बदमाश घबरा गए और पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 2 बदमाश रवि और हेमंत फौजदार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही अलीगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। जब बदमाशों से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने 10 अक्टूबर को हुई सर्राफा व्यापारी के ड्राइवर के साथ घटना को भी कबूला है। बदमाशों ने बताया कि उनके साथ घटना में 5 लोग शामिल थे, जिनमें से 3 लोग अलीगढ़ जेल में बंद हैं। यह गैंग पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और इनका एक अच्छा खासा क्राइम रिकॉर्ड भी है। वहीं पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही के आधार पर 3 षड्यंत्रकारियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि लूट का माल इन 3 लोगों के पास बदमाश आकर रखते थे। अभी पुलिस पूरी बरामदगी से कार्रवाई कर रही है। वहीं जो 3 लुटेरे अलीगढ़ जेल में बताए जा रहे हैं, पुलिस उन्हें जल्द रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरह पुलिस ने सवारी बनकर यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, वह कहीं ना कहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाली लूट की घटनाओं में राहत साबित होगा। ये थाना नौजील के द्वारा एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर सवारी गाड़ी के अंदर लूट इत्यादि कार्रवाई करता था। इस संदर्भ में एक अभियोग थाना मार्ट में चोरी का जो वादी के द्वारा लिखाया गया था वो पंजीकृत हुआ था। उसके बाद एक अभियोग 19 तारीख को थाना नौजील के अंदर पंजीकृत हुआ था। दोनों घटनाओं का जो CO मार्ट द्वारा टीम लीड करते हुए विवेचना की गई और विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों घटना एक ही गैंग ने की थी। इसके अंदर 16 तारीख को ये पूर्व से भी जनपद टप्पल से वांछित चल रहे थे और इनमें से 3 लोग दीपक, नरेंद्र और श्याम सुंदर 16 तारीख को टप्पल थाने से जेल गए थे, क्योंकि वो वहाँ से 8 तारीख के घटना में वांछित चल रहे थे। तब तक किसी भी विवेचना में ये प्रकाश में नहीं आया था कि 10 तारीख को या 14 तारीख को जो घटना हुई उसके अंदर भी ये शामिल रहे। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी, जो दूसरी घटना जो यहाँ पर मार्ट नौजील में लिखी गई, इन्होंने परी चौक से यहाँ पर एक रहने वाले स्थानीय व्यक्ति की जो गाड़ी के अंदर ये सवारी बनकर बैठे और उसको ओवरपावर कर दिया। ओवरपावर करने के बाद उस व्यक्ति को जो है इन्होंने एक्सप्रेसवे पे यू टर्न लेकर आगे नोएडा और यहाँ के बॉर्डर के ऊपर, बुलंदशहर और हापुर के बॉर्डर के ऊपर फेंक के चले गए। और उसके बाद जब ये इन्होंने कार जैकिंग की थी, जब कार लूटी थी, तब इनको इस बात का आभास नहीं था कि ये जो है ड्राइवर एक ज्वेलर का है और उसके अंदर सोना भी है। इसके अंदर इसको सोना मिला। सोना मिलने के बाद इन्होंने अपनी गाड़ी टप्पल के अंदर, अलीगढ़ के अंदर ही छोड़ दी, जो बाद में वहाँ पर हम लोग को जानकारी हुई है कि लावारिस के अंदर दाखिल है। इस घटना के अंदर जो 10 तारीख को गाड़ी थी, उस गाड़ी को इन्होंने फिर फर्दर यूज़ किया आगे जाने के बाद। बाद में इन लोग के बीच में संपत्ति का विवाद, पैसे सोने के डिस्ट्रीब्यूशन का विवाद हुआ। इस बात की सूचना के ऊपर टप्पल पुलिस को जब इस चीज़ की जानकारी हुई तो इनको गिरफ्तार किया गया।